एक तरफ राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारी कर रहा है, तो प्राण प्रतिष्ठा समारोह को देखते हुए अयोध्या नगर भी साफ सफाई अभियान में जुट गया है। अयोध्या नगर निगम कुत्तों की जनसंख्या रोकने के लिए एक बड़ा अभियान चला रहा है। नगर निगम क्षेत्र में कुत्तों को पकड़कर बैसिंग गौशाला ले जाया जाता है, जहां पर पशु चिकित्सक उनकी नसबंदी करते हैं। नसबंदी करने के बाद जब कुत्ते स्वस्थ हो जाते हैं तो उनको छोड़ दिया जाता है। छोड़ने के पहले कुत्तों को रैबीज का इंजेक्शन भी लगाया जाता है। अपर नगर आयुक्त बागी शुक्ला ने बताया कि अब तक नगर निगम क्षेत्र से लगभग 1000 कुत्तों को पकड़कर बैसिंग गौशाला ले जाया गया, जहां पर उनकी नसबंदी की गई है और स्वस्थ होने के बाद उनको छोड़ दिया गया। कुत्तों की जनसंख्या को रोकने के लिए नगर निगम बड़ा अभियान चला रहा है। जो हमारे नगर निगम क्षेत्र के कुत्ते हैं उनकी नसबंदी की व्यवस्था की गई है कि उनको पकड़ करके क्षेत्र से उनकी नसबंदी करते हैं और 3-4 दिन के लिए वहाँ हॉस्पिटल में रखते हैं। साथ ही साथ रेबीज के इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं, जिससे जब वो क्षेत्र में रहें, मान लीजिए कहीं कुत्ते को काटने की समस्या आती है, तो उससे जो है हमारे जो नगरीय क्षेत्र के नागरिक जन हैं उनको कोई इस तरह के रेबीज से काटने की समस्या न हो, और इससे जो है नगर क्षेत्र में जनसंख्या की जो वृद्धि हो रही है उसको भी रोकना इसका उद्देश्य है। कहाँ से कहाँ तक अभियान चला जा रहा है, समय क्या इसका? ये इसका कुछ समय मतलब ऐसा नहीं है, इसका नियमित डेली हमारे यहाँ पकड़ने की व्यवस्था है। टीम कितनी काम कर रही है? टीम हमारे यहाँ, ये एक्चुअली हम लोगों ने एक ठेका दे रखा है, एक कंपनी है फ्रेंडिको को ठेका दे रखा है, जिसका जो अपने क्षेत्र में जो भी कुत्ते आते हैं, अमूमन 25 से 30 कुत्ते की नसबंदी एक दिन में की जा रही है। इसलिए कि तो जो है अनावश्यक जो है जनसंख्या की वृद्धि न हो, साथ ही साथ जो है रेबीज का टीका लगने से जो है वो हमारे क्षेत्र के जो नागरिक गण हैं उनको अगर कुत्ता काटता है तो उस तरह की जो समस्याएं न हो, जनहानि न हो।